गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ भोपाल में वेदर का मतलब मौसम बड़ा बदल रहा है, एकदम तेज गर्मी फिर तेज बारिश है ना। उसके चलते जो है वो मेरी बॉडी इसको जो है वो एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस कर रही, इसलिए थोड़ा सा जो है मैं फीवरिश हो गया था कल मुझे, तो मैं इसलिए जो है वो मॉर्निंग मोटिवेशन में आ नहीं पाया था। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि बॉम्बे में जो है वो कल जोरदार बारिश हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब सड़कों पे जो है वो आधा आधा फिट पानी हो गया था। मेरे बच्चे बता रहे थे कि जबकि साउथ बॉम्बे तो ऊपर आइलैंड पे तब भी जोरदार जो है वो बारिश कल हुआ है। मतलब जो कहते हैं ना कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और जो है रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है इंडिया के अंदर, और ये बात बिल्कुल सच है। एक्चुअली क्लाइमेटिक चेंजेस के असर हमको देखने मिल रहे हैं कि अभी आप देखो ना, अक्टूबर का महीना मतलब सितंबर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया, अक्टूबर शुरू होने वाला, लेकिन बारिश है कि वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा वेदर पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ठंड थोड़ी सी लेट आएगी, गर्मियाँ जो है वो थोड़ी सी मतलब जैसी बारिश खुलती थोड़ी गर्मी होती है, तो मतलब मुझे लगता है कि अक्टूबर का महीना जो है वो डिफरेंट ही वेदर हमको शो करेगा। ठीक है, अब लेट्स सी, देखते हैं। खैर, आज की पते की बात ये है कि बहुत सारी मैं कई लोगों से कहता हूँ कि बेटा मेहनत कर लो, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। और कई लोगों को जो है वो मेहनत करना चाहते हैं पर वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, और कई बार जो है वो उतने घंटे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने के लिए उतने घंटे बैठ नहीं पाते हैं। तो मैं एक बार बता दूं आपको कि क्या होता है कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि हमारी अपनी चॉइस होती है, ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को उसकी चॉइस जो है पसंद ही उसको बनाती है। ठीक है, चॉइसेस ही आपका, चॉइसेस का ही रिजल्ट होता है आपका फाइनल, जो अंत में आप जो बनते हैं ना वो पूरा आउटकम जो होता है ना वो चॉइसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरा भी मन करता है कि देर तक सोऊं, ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि सुबह जल्दी उठकर जो है वो दौड़ने निकल जाओ, जिम निकल जाओ, फिर लौट के आओ, फिर नहा दो, फिर ऑफिस निकलो, फिर दिन भर काम करो, शाम को देर तक काम करो, फिर जो है वो खड़े रह के जैसे कि क्लास में खड़े रह के, जब कभी मैं आपको सिंपल सा बोलूँ कि जब लोग क्लास में हम पढ़ाने जाते हैं, मान लो जो ऑफलाइन बैचे पढ़ाने जाते हैं और जो भी टीचर पढ़ाने जाते हैं, तो यदि 2.5 घंटे की क्लास है तो 2.5 घंटे की क्लास में खड़े रहकर पूरे समय बोर्ड के सामने आपको पढ़ाते रहना लगातार, फिर आधे घंटे के ब्रेक से अगली वाली क्लास ले लेना आपको, तो किसी को मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है जब काम करता है ना उसको उतने घंटे मेहनत करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बात इतनी सी होती है कि अच्छा आपका अच्छा लगना या ना लगना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आपको यदि पब्लिक डोमेन में अच्छा काम करना, पब्लिक डोमेन में लोग आपको यदि जो है पसंद करें, आप सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए आपको जो है वो आपको आपकी निजी चॉइसेस को छोड़ना पड़ेगा। क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है ये तुम्हारी चॉइस हो सकती है, पर सक्सेस सिर्फ एक ही बात जानती है, सफलता सिर्फ एक ही बात जानती है कि जो करना है वो करना है, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे पसंद ना हो, मन लगाकर कर लो या मन मारकर कर लो, पर करना तो पड़ेगा, यदि सफल होना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, बैठने में मन नहीं लग रहा है, तुम चाहते हो कि अभी जो है वो नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन उदास है, ये है वो है, ठीक है कोई बात नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुमने कहा कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सक्सेस तो रुकती नहीं ना, वो तो कहती है कि भाई जो करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, अंत में क्या होता है कि हिसाब किताब बनता है कि साल के अंत में एग्जाम देने के बाद कि तुम्हारा इनपुट कितना था और उसके बदले आउटपुट क्या मिला, जो इनपुट था क्या वो 100% डेडिकेटेड था, यदि वो 100% डेडिकेटेड नहीं था तो परिणाम 100% डेडिकेटेड नहीं मिल सकता है। दुनिया में कोई भी सफलता मशीन जो है ना 40-43% से ऊपर का आउटपुट नहीं दे पाती है, मतलब दुनिया में कोई भी सफल मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी लगाते हो बाकी सब हीट में चलाता है, 43% जो है वो मैक्सिमम कन्वर्जन रेट है दुनिया की सबसे बेस्ट मशीनों का। मैं मान लेता हूं कि चलो 43% जो है वो हमारा भी कन्वर्जन रेट वो है, मतलब हम 100 घंटे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, 43 घंटे का आउटकम हमको मिलता है, और यदि हमको एग्जाम में 100 घंटे का आउटकम चाहिए तो 200 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लगभग 200 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पॉइंट इज दैट कि आपकी पर्सनल चॉइसेस का कोई बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपको फिजिक्स पसंद है, आपको केमिस्ट्री पसंद है, आपको ये पसंद है, वो पसंद नहीं, नहीं कोई मतलब ही नहीं, कोई चॉइस का कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि वो तो एक पैरामीटर तय हो चुके हैं, उसके उतना लेवल आपको एफर्ट करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जैसे कि हम कहते हैं कि सबसे फिट फिल्म स्टार में से अक्षय कुमार है, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता है, उठ के जिम भाग जाता है, वो 2-3 घंटा जिम करता है जाके, किसको अच्छा लगता है, सबको सुना अच्छा लगता है, मतलब हर एक की अपनी एक एक पर्सनल
चॉइस होती है। और देखो जो चीजें दूसरों के साथ आराम करना तुमको अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, हर वो चीज जो तुमको अच्छी लगती है वो मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि मुझे अच्छी लगने के बावजूद मैं उनको छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी लाइफ में ये है कि ये चीजें हमको इस क्रम में तय करनी है। मत देखो सक्सेस जो होती है ना बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद आती है, और ये सेक्रीफाइस छोटे छोटे स्तर से ही शुरू होते हैं। थोड़ी नींद कम करनी होती, थोड़ा कंफर्ट कम करना होता है, थोड़ा सा जो है वो दोस्तों यारों में समय कम करना होता है, रिलेटिव्स में कम समय कम करना होता है, मतलब बहुत जगह से समय की को बचाना होता है, फिर जगह पे लगाना होता है उसको। और यही दुनिया में अंतर क्रिएट करता है। तो डिफरेंसेस केवल तभी क्रिएट होते हैं जब आप अपनी पर्सनल चॉइस को छोड़ के आप वो चॉइस पे जाते हैं जो सक्सेस चाहती है। सक्सेस के अपने पैरामीटर, उसके अनुसार आप काम करो तो आप सफल होंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी मन मार कर ये बोलना कि नहीं साहब नहीं हो पा रहा है ऐसा नहीं, दूसरा कर पा रहा है आपसे भी होगा वो, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कहीं आपकी निजी चॉइस पर्सनल चॉइस बीच में आड़े तो नहीं आ रही है। सोचना जरूर और बताना जरूर कमेंट में कि हाँ। और ईमानदारी के साथ देखो, अपने आप से ईमानदार नहीं रहेंगे ना तो कभी आगे ग्रो नहीं करेंगे। आज ईमानदारी से वीडियो में बताओ कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो तुमको सफल होने से पीछे कर रख रही है, कौन सी ऐसी हैबिट है जो तुमको सफलता के दरवाजे से पीछे लेके आ रही हो, किस हैबिट को तुम छोड़ना चाहोगे बताओ आज कमेंट में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।